मुझे अपना चेहरा दिखाओ, मेरे पास आओ, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। इंसान हो या जानवर हो या फिर पौधे हो, सब जिंदा चीजें अपने आप हिल सकती हैं। ये चलने और हिलने की काबिलियत सब जिंदा चीजों में ही होती है। जानते हो पौधे भी अपने आप हिल सकते हैं, वो उस तरफ मुड़ जाते हैं जहां से धूप आ रही होती है। मिस्टर सेलम एक मिनट बाहर आएंगे प्लीज। इजाजत दे तो मैं अली को अपने साथ ले जाऊं। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? उसकी अम्मी की तबीयत बहुत नाजुक हो गई है, वो बीमार है बहुत। हाँ मालूम है मुझे। इस वक्त कहां पर हैं वो? घर पर ही हैं। अली को आखिरी बार देखना चाहती हैं। आप एक मिनट रुको, मैं भी आपके साथ चलता हूं। मुझसे आकर बात करना। फरहत बेटा बोल रहे हो? हाँ मैं मुख्तार अंकल, बिजी तो नहीं हूँ। हाँ वो कार लेकर मेरे घर पर आ जाओ, हमें क्लीन क्यों जाना है। लेकिन हाँ, पर किसी को मत बताना कि हम वहाँ जा रहे हैं, समझे ना। जल्दी आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अजीब बात है, दोनों ही नहीं आए अभी तक, क्या हुआ होगा? अभी अजीज आकर कहेगा मुझे रात भर ठीक से नींद नहीं आई,
डॉक्टर साहिबा की फिक्र हो रही थी। गुड मॉर्निंग। ज्यादा देर सो गया, कल रात नींद नहीं आई, सुबह सूरज निकलने के बाद सोया। देखा, मैंने कहा था ना ये यही कहेगा आके। बसरा को कॉल करती हूँ। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। डॉक्टर को बुलाने से कुछ नहीं होगा सलीम साहब, आपको पता है इस बीमारी का। आखिरी बार जब हॉस्पिटल गए थे तो डॉक्टर ने इतना वक्त भी नहीं दिया था उसे। फिर भी हो सकता है कुछ राहत मिले। जैसी आपकी मर्जी। अजीज, अजीज क्या आप बुसरा के घर जाकर देखेंगे? मैंने फोन किया था, वो फोन नहीं उठा रही है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। 10 मिनट देख लेते हैं, नहीं आई तो मैं चला जाऊंगा, हो सकता है रास्ते में ही हो ना। तो मैं डॉक्टर साहिबा को लेने आया हूँ। अली की अम्मी की हालत बहुत नाजुक है। वो अभी तक तो नहीं आई है, हमें उनकी फिक्र हो रही है। अजीज जाएगा थोड़ी देर में उनके घर पे। उनको कॉल किया था पर वो कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। टीचर, कल उस अजीज ने उनको कुछ बताया था आपके और इसरा के बारे में, कि वो आपकी मंगेतर थी और गायब हो गई थी बाद में। सोचा आपको बता दूं। आपने अच्छा किया हलील। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, टीचर गए हुए हैं वहां। क्या बात है सलीम? मेरे एक स्टूडेंट की अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, बहुत तकलीफ में है, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तो क्या उन्हें दिक्कत क्या है? कैंसर है, डॉक्टर ने कहा था 2 या 3 महीनों से ज्यादा नहीं जिएगी, शायद उनकी आखिरी सांसें हों, पर बहुत दर्द हो रहा है। मैंने सोचा कि तुम्हें बता देता हूँ। पर वहां जाने से पहले हम लोगों को हॉस्पिटल जाना होगा। तुम ठीक हो?
अली बेटा, क्या दो मिनट के लिए अपने टीचर के साथ बाहर जाओगे? मैं तुम्हारी अम्मी को दवाई दे देती हूँ। आओ मेरे साथ बेटा, डॉक्टर आंटी को अकेला छोड़ दो। इससे आपके दर्द में आराम आ जाएगा। शुक्रिया। मेरी अम्मी मर जाएंगी सर, मुझे पता है। जब मेरी अम्मी गई तो मैं बस 15 साल का था अली। ये बिल्कुल आसान नहीं होता, पर तुम मुझसे ज्यादा हिम्मत वाले हो। उन्हें दर्द से छुटकारा मिल जाता है। तुम्हें दुख होगा क्योंकि तुम्हें उनकी याद आएगी, पर उन्हें तकलीफ में देखकर भी तो दुख होता है ना, है ना? मुझे पता है ये आसान नहीं होता है, पर तुम मुझसे ज्यादा हिम्मत वाले हो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए दम तोड़ा सलीम। उन्हें उनके दर्द से छुटकारा मिल गया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उनकी मौत की जिम्मेदार हूँ। ऐसा क्यों सोच रही हो बुशरा? तुमने तो उनके आखिरी लम्हों में उनके दर्द को कम करने की कोशिश की है। ये सब मत सोचो, प्लीज ये सब मत सोचो। वो मुस्कुरा रही थी, वो मरते वक्त भी खुश थी। हम पता नहीं उस छोटे से बच्चे अली पर क्या गुजरेगी। हालांकि आसान नहीं होता है, हमने भी तो कहीं ना कहीं अपने आप को संभाला है। उम्मीद है कि वो खुद को संभाल लेगा। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूं बुशरा। हालांकि मेरी जिंदगी की कुछ ऐसी यादें हैं जिन्हें मैं बिल्कुल भूल जाना चाहता हूं। उस रात जब मैंने तुम्हें घर छोड़ा था, मैं तुम्हें बताने तुम्हारे दरवाजे तक आया था। तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें कैसे बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है अब। पर मैं तुम्हें बताना चाहता था। वैसे भी तुम्हें पता तो चलने ही वाला था। बहुत अच्छा होता अगर मुझसे पता चलता। हाँ काश। मेरी जिंदगी हमेशा बदनसीबियों से घिरी रही है बुशरा।
मैंने अपनी अम्मी को बहुत जल्दी खो दिया था, बहुत रोया था। 2-3 साल बाद जब खुद को संभालने की कोशिश की तो गांव में फैली अफवाहों से पता चला कि मेरी अम्मी ने खुद को फांसी लगा ली है। मैं वजह आज तक नहीं जानता हूं। ये बात हमेशा परेशान करती रही। फिर जब मेरी जिंदगी में इजरा आई तो एक बार फिर दिल में जिंदगी को जीने की उम्मीद जागी। हमारी मंगनी के अगले रोज ही इसरा गायब हो गई। 4 साल से कोई खबर नहीं है उसकी। हालांकि तुम्हारे घर के सामने से गुजरते हुए हर बार कांप जाता हूं, पर मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि तुम्हें किस तरह और कैसे बताऊं। पता नहीं हम इससे ज्यादा बदनसीब कौन है। पता नहीं क्यों मुझे जिंदगी में आज तक जो भी मिला है वो आखिर में मुझे रुलाकर ही क्यों चला गया है। मुझे जिंदगी में कभी किसी से प्यार ही नहीं हुआ। अर्धम आए थे मेरी जिंदगी में, मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, जिंदगी हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएगी। हमने शादी कर ली, वो दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था, और वो खुशी 2 घंटे भी नहीं टिक पाई। अर्धम ने उसी रात खुदकुशी कर ली। दबा दी थी पर। इस बार किसी और से खरीदी थी ना? हाँ, किसी और से खरीदी थी।
उससे दोबारा मत खरीदना। उन दबी हुई हड्डियों को खोद कर बाहर निकालो। वो बदबूदार है, वो सड़ी हुई है। ये मत भूलो कि जो तुम कर रहे हो वो बहुत खतरनाक चीज है। मैं तुमसे हजार बार कह चुकी हूं, जो बच्चे तुम्हें दिखाई देते हैं वो तुम्हारे पोते नहीं हैं। वो सजा के तौर पर तुमसे सोना मांग रहे हैं। पता है ना क्या करना है? फव्वारे के पास एक जानवर को देखा, उन्होंने उसका पीछा किया पर वो भाग गया। कहते हैं वो बहुत बड़ा था। इन गांव वालों को ना बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बताने की आदत। तुम तक बात पहुंचते पहुंचते सफेद खरगोश काला हाथी बन जाएगा। पता नहीं वो जानवर है या गीदड़ है या फिर कोई और ही चीज है। वो अब कोई राक्षस तो हो नहीं सकता ना, होगा तो आदमी। आपको मेरा जितना मजाक उड़ाना उड़ा लीजिए, जब आपके साथ होगा तब पता चलेगा। मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है पर मैं किसी को बता नहीं सकता हूं। उस फव्वारे के पास भी तो कुछ हो सकता था ना। तुम फिर से शुरू हो गए। उन्होंने बताया कि वहां पर कोई कब्र हुआ करती थी। उस दौर के गांव वालों ने खजाना ढूंढने के लिए जमीन को खोदा और उन्हें खजाना मिल गया, पर वो खजाना उन्हें रास नहीं आया। अगले दिन वो सारे गांव वाले उस जमीन में दबे हुए मिले। उनके इर्द गिर्द कोई ताकत थी, उनकी आंखें बाहर निकली थी और फिर उन्होंने उस शैतान को भगाने के लिए चार काजियों को बुलाया। जानते हैं उन काजियों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो दूसरी दुनिया का दरवाजा है, दूसरी दुनिया का दरवाजा। अजीज, ये कहानियां तुम्हें तुम्हारी दादी ने सुनाई है। इमाम याहया को भी पता है इस बारे में। उन्होंने हाल ही में ये कहानी मस्जिद में सुनाई थी। वो खजाना वहां पर है, एक जिन उस खजाने की हिफाजत करता है। देखो अजीज, ये जिन और खजाने की पूरी कहानी झूठी है। पुराने जमाने में गैर मुस्लिम्स अपने खजाने को मुसलमानों से बचाने के लिए उनको ले जाकर सुअर के फार्म्स में दबाते थे और फिर अफवाह फैला देते थे कि जिन्न उसकी हिफाजत कर रहा है। ऐसा इसलिए होता था कि कोई उसके पास भी ना जाए। मेरी बात मानो तुम, ये सारी की सारी कहानियां झूठी हैं। आप तो कहेंगे ही क्योंकि आप मानते नहीं ना ये सब। और ये सब बकवास बातें तुमने डॉक्टर साहिबा को भी बता दी।
वो सोचेंगे यहाँ काम करने वाले सबके सब पागल हैं। अब कुछ पूछेंगी भी तो नहीं बताऊंगा उन्हें, पर उनके साथ भी कुछ अजीब हो रहा है आजकल। अपनी ये बकवास किस्म की बातें बंद करो अजीज, कुछ अजीब ही हो रहा है। देखो तुम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जा रहे हो, हमें उसे जितनी जल्दी हो सके दफन कर देना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ याया साहब, कुछ रिश्तेदार बहुत दूर से आ रहे हैं, उनके आने से पहले नहीं दफना सकता। अगर उससे पहले दफना दिया तो वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। इन चीज़ों में देरी करना ठीक नहीं होता, अब फैसला तुम्हें करना है, पर जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। घर में एक छोटा बच्चा भी है, बेचारा पहले से ही बहुत डरा हुआ है। मेरे घर डिनर पर आइए ना, मेरी फैमिली से भी मिल लीजिएगा, वो आपसे मिलने के लिए बेकरार हैं। मैं आ जाऊंगी पर आज नहीं प्लीज, मैं नहीं चाहती कि वो मुझे इस हाल में देखें। ऐसा करो ना कि तुम मेरे घर पर डिनर के लिए आ जाओ, हम कुछ काम से हटकर बातें करेंगे। ठीक है अजीज, वो सारे सामान ले आया है जो भी आपने मंगवाया था, तो अंदर चलते हैं आप। अजीज ये सब सामान कितने का है? कोई बात नहीं मैडम, बाद में दे देना। अरे नहीं नहीं अभी ले लो। बताओ ना कितने का हुआ सब? 28 लायराज। ये लो, शुक्रिया। बस रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। एक लायरा भी देता हूं।
मुझे सलीम की इस खूबी के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। तुम्हें कैसे पता चला इस सलीम ने रखे हैं? आप इस वक्त बहुत अफसोस हुआ, मुझे अली की फिक्र है। वो अंदर है, मिल लीजिए। अली, ये तुमने क्या बनाया है अली? चलो आओ बाहर चलते हैं। ये क्या बनाया है अली? डॉक्टर आंटी और आप मिलकर वहां जाओ। अकेले रहना है मुझे। मुझे हलील अच्छे लगे, लगता है भरोसे के लायक है। हाँ बेशक, उन्हें हमारे हॉस्पिटल में आए बस अभी कुछ एक साल ही हुआ है। मैंने सुना है इससे पहले वो किसी और जिले में थे, पर अब वापस नहीं जाना चाहते हैं। पर ऐसा क्यों? हलील की बीवी एक अच्छी औरत नहीं थी। हलील ने उसे उनके घर में अपने कजन के साथ पकड़ा था। लोगों ने रोक लिया, वरना उस दिन कत्ल हो जाता। तो उन्होंने उससे तलाक क्यों नहीं लिया? हाँ, कुछ एक साल पहले ही ले लिया था, पर उस औरत ने तो गांव में ये अफवाह फैला दी थी कि हलील की उसके कजन के साथ कोई चक्कर चल रहा है। क्या बात कर रही हो? हलील तो ये सुनकर पागल हो गए थे। वो तो अच्छा हुआ उस औरत को उसके भाई दूसरे गाँव लेकर चले गए। तो यह है कहानी। जब हलील गाँव में आए थे तो बहुत उदास रहा करते थे। उनकी उदासी को दूर करते करते मैं उनके करीब कब आ गई पता ही नहीं चला। सलाम अब्बू। सलाम मेरे बच्चे।
कैसे हैं आप? देखिए अब आप ही बताइए इसमें उनका क्या कसूर है? अब्बा है कि ये समझते ही नहीं। हेलो, हाँ अब ठीक हूँ। वो हुलिया मेरे साथ है, मुझे अकेला नहीं छोड़ती, मेरा बहुत ख्याल रखती है। तुम मुझे बताओ, अली की कुछ खबर है तुम्हें? अभी वैसा ही है, वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। वो फूल मिल गए हैं? मिल गए थे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी खुशबू है उनकी। अच्छा लगा। तो ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। गुड नाइट। मैं आपका भविष्य बताना चाह रही थी लेकिन कब ही टूट गया। जिसके कल का कुछ पता नहीं उसका भविष्य कैसे बताओगी? अरे ऐसा मत कहिए, कप में दरार थी तो टूट गया। इस बात पर संजीदा होने की कोई जरूरत नहीं है। कल मिलते हैं। ठीक है। बेटा, अली Thank you.